सवाई जयसिंह की जयंती आज है। आपको बता दें, हेरिटेज निगम सवाई जयसिंह की जयंती मना रहा है। स्टैचू सर्किल पर सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा सहित निगम अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। तो महाराजा स्वर्गीय सवाई जयसिंह की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्टैचू सर्किल की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। तमाम निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सवाई जयसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुंदर है, लेकिन इसको और भी सुंदर बनाने की जिम्मेदारी आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी रखें और जिम्मेदारी निभाएं, और हम लोग भी सरकार प्रशासन मिलकर भी बहुत जयपुर को और आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर। बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए, लेकिन इसको और अच्छा बनाना, इसको स्वच्छ बनाना, ये भी जो मुझे लगता है कि जो हमारी स्वच्छता वाली जो लिस्ट आती है हर साल, उसमें जयपुर को भी हम लोगों को टॉप 3 में लाना है ना, ये हमारा होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमको जयपुर को टॉप 3 सिटीज ऑफ इंडिया स्वच्छता में देखें। कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा सहित निगम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सवाई जयसिंह की जयंती है आज, और इस अवसर पर स्टैचू सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। अब करौली से बड़ी खबर है, जहां करौली के मंदिर में अन्नकूट का खेल विभाग की ओर से होना था अन्नकूट, लेकिन पुजारी अपने खर्च से कर रहे हैं अन्नकूट। देवस्थान विभाग ने 20 लाख का ठेला किया है। करौली के 13 मंदिर को आवंटन हुए हैं प्रति मंदिर 1,75,000 रुपये, जिसमें 5 दिन के त्यौहार को सभी व्यवस्था होनी थी। विभाग और ठेकेदार मिलकर बड़ा खेला कर रहे हैं। 5 दिन लाइटिंग के प्रति मंदिर 40,000 रुपये पुजारियों ने अपने जेब से कराई है लाइटिंग। विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर निकाल रहे हैं समय। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की राशि भी आज तक नहीं मिली है। तो ये बड़ा खेला देवस्थान विभाग का, जहां सरकार की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन होना था, लेकिन पुजारी पंडित अपनी जेब से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 लाख का ये कुल मिलाकर खेला करौली में बताया जा रहा है, और इस नरसिंह भगवान का मंदिर है, मेरा छोटा भाई का सर। एक तो सर थोड़ी बहुत जल्लर बाहर लगाई गई है, नॉर्मली जल्लर लगाई है सर, ये तो ले जाएंगे सर उनको खोल के, वो ढेका दिया हुआ है तो वो लगा गए, कम से कम 30-30 झल्लर होंगे इस बाहर, बस यही है। और एक झल्लर अंदर के लिए दी गई है, और 1,000 रुपया और थोड़ा सा सामान बस दिया गया है। इसके अलावा 1,000 रुपये फूलों के लिए दे गए थे, तो हमने मंदिर की सजावट कर रखी है और फोटो भी खींच रखा है, हम आपको भेज देंगे, बस उसमें 1,000 रुपये की फूलों के फूलों में अन्नकूट के लिए कुछ नहीं मिला सर। सर फिलहाल तो अपने स्तर पर करते हैं, देवस्थान वाले अभी कोई दिख नहीं है, हमारा सब डिविजन चल रहा है इस्तेमाल करते हैं। तो करौली के 13 मंदिरों को आवंटित हुए थी धनराशि, लेकिन बावजूद इसके धनराशि पंडित पुजारियों तक नहीं पहुंची। उन्होंने अपने जेब से भगवान का सेवा पूजन किया और प्रसादी का आयोजन किया।
सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भुजेला पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, साथ ही मृतक बच्चे के पिता और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर LNT की एम्बुलेंस पहुंची, दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अधिक उपचार के लिए गुजरात अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने रावतसर क्षेत्र में वन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए हरी लकड़ियों का परिवहन करती हुई 3 पिकअप को अलसुबह जब्त किया है। उड़नदस्ता टीम के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए राज्य वृक्ष खेजड़ी पर व कीकर के लकड़ियों से भरी 3 पिकअप को जब्त किया है। उड़नदस्ता टीम ने पल्लू नोहर रोड से तीनों पिकअप को जब्त कर रावतसर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के सुपर्द किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से रावतसर वन विभाग का क्षेत्र लकड़ियों के कटान का गढ़ बना हुआ है, लेकिन स्थानीय रेंजर अनुप शर्मा इस अवैध कार्य पर अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से क्षेत्र के वन माफियाओं के हौसले दिनों दिन बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। शिकायत मिलने पर DFO सुरेश आबूसरिया के निर्देश पर जिला उड़नदस्ते ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वन माफियाओं पर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रावतसर वन विभाग के अधिकारियों को इस अवैध कार्य की सूचना भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वन माफियाओं पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कभी कभार खानापूर्ति के नाम पर कार्रवाई कर कर्तव्य से इतिश्री करने में रावतसर के अधिकारी माहिर नजर आ रहे हैं। टोंक जिले के दूनी से खबर है, जहां सचबेदड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला। रईस जादे आए पुलिस की गिरफ्त में, दूनी मुख्य बाजार की सर्किल पर स्टंट दिखा रहे थे। गाड़ियों से स्टंट कर दहशत फैलाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों सहित 2 गाड़ियों को जब्त किया है। सचबेदड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद पुलिस विभाग एक्शन मोड में आया और इन दोनों रईस जादों को गिरफ्तार किया गया। तीन लोगों सहित 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। सचबेदड़क की खबर का ये दमदार असर, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था। आपको बता दें कि दूनी सर्किल पर बेखौफ अंदाज में गाड़ी चलाते हुए तीनों लोगों में दहशत फैला रहे थे, जिसके बाद खबर दिखाई गई सचबेदड़क पर प्रमुखता से, और अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। तीनों को गिरफ्तार कर दोनों गाड़ियाँ जब्त की गई है। खबर का असर, सचबेदड़क की इस खबर का दमदार असर हुआ और एक संदेश अब समाज में लोगों के बीच में भी जाएगा इस खबर के असर के बाद, कि इस तरह की दहशत फैलाने के काम नहीं करने चाहिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपके TV स्क्रीन पर ये तस्वीर और ये वीडियो भी है, जहां ये बड़े बेखौफ अंदाज में लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद सचबेदड़क पर यह खबर चली और अब इस खबर का दमदार असर देखने को मिला है। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों गाड़ियां जब्त कर ली गई है।
और अब खबर टोंक जिले के उनियारा से है, जहां अलीगढ़ थाना पुलिस और FST टीम की कार्रवाई हुई। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। पचाला पर एक गाड़ी से 4 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है। गाड़ी नंबर RJ14CW1457 में बरामद हुई है ये राशि। पचाला पर एक गाड़ी से 4 लाख रुपए की राशि को जब्त किया गया।